नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक सीरीज की, नाम है पति पत्नी और वो। ये सीरीज आई है एमएक्स प्लेयर पे, प्रोड्यूसर है मदन पालीवाल और डायरेक्टर है नितेश नीरव नीलकंठ। दोस्तों ये सीरीज वैसे तो हॉरर कॉमेडी होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए रोमांटिक कॉमेडी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें न हॉरर है न रोमांस है और न ही कॉमेडी है। दोस्तों ये जो सीरीज है इसका कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट जिस तरह से रखा गया उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि पति पत्नी और वो नाम से दो फिल्में भी आ चुकी हैं, शायद आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट रखा गया वो ये कि वो वाला जो एलिमेंट है वो एक भूत है। होता यह है कि एक व्यक्ति होते हैं मदन, उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और किसी भी कारण से जो अंतिम क्रियाएँ हैं वो ठीक से नहीं हो पाती, उनकी आत्मा भटकती सी ही रह जाती है और फिर उन वो तय करते हैं कि वो अपनी पत्नी की, पहली पत्नी की आत्मा की शांति के लिए दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि मतलब वो आत्मा की शर्त होती है कि तुम्हारे जीवन में सेटलमेंट आ जाएगा, मैं देख लूँगी तुम खुश हो तो फिर मेरी मुक्ति हो जाएगी। और एन 13वें के दिन ही वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं और फिर जो है ये जो तीन करेक्टर हैं पति पत्नी और वो जो भूत है उसके बीच की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इन्होंने कंसेप्ट में कुछ नयापन लाने की कोशिश की उसमें फिर इन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से नहीं किया। स्क्रीन प्ले बहुत ही बेकार है, कॉमेडी तो ऐसे लग रहा है जैसे जबरन ठूंस दी गई हो, जैसे डायरेक्टर कह रहा है कि भाई मैं कह रहा हूं तुमसे हंसो तो तुम हंसो। अब बहुत अजीबोगरीब चीज रखी गई है। आप पहला ही एपिसोड देखें तो एक लड़की के पिता है वो बात बात में कहते हैं अच्छा है अच्छा है, या फिर जो लड़की दिखाई जाती है लड़के को वो एकदम कवर अप होके आती है कि इतना कि हाथों में भी दस्ताने पहन करके आ जाती है, तो मतलब अजीब ही बात लगती रहती है आपको देखने में। उसके अलावा देखिए दोस्तों जो प्रेम पत्र लिखा है, बाद के एपिसोड में आप देखेंगे कि जो मदन है वो प्रेम पत्र लिख रहे हैं और वो प्रेम पत्र या तो शायरी है या कविता है, हालांकि मुझे तो समझ में नहीं आई वो क्या है, और उसका स्टैंडर्ड इतना खराब है, मतलब जो एक होती है ना चलता हूँ टाइप की शायरी उससे भी गया गुजरा। मतलब ये कहने का है कि लिखने में इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, एक आइडिया आया और दौड़ पड़े कि भाई मुझे तो एक सीरीज बनानी है, और ऐसी ही दुर्दशा है यहाँ एडिटिंग की। दृश्य इतने लंबे लंबे हैं, बेकार हैं, आप अगर 2-4-5 मिनट स्किप कर दें, 10 मिनट स्किप कर दें, या हो सकता है कि 20-25 मिनट भी आपको अगर झपकी आ जाए तो ऐसा कुछ मिस नहीं होने जा रहा है आपसे, कहानी वहीं की वहीं ठहरी रहती है। और दोस्तों देखिए कि इतनी सारी बुरी बुरी चीज़ों में आप अगर एक्टिंग की भी बात कर लीजिए तो जो मुख्य किरदार हैं यहाँ कोई इम्प्रेशन ऐसा आपके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ कलाकार थोड़े से ठीक रखे गए हैं, जैसे रिमझिम यहाँ रिया सेन बनी हुई है जो कि एक बड़ा नाम है फिल्मों में, या सुरभि बनी हुई है विन्नी अरोड़ा, मोहन है अनंत विदात शर्मा, 3G है सक्षम शुक्ला, कुकू है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और जसपाल शर्मा है पंडित। लेकिन जो मुख्य किरदारों के अलावा जो सहायक किरदार है जो कि 3G का और पंडित का, मुझे लगता है कि उनकी एक्टिंग थोड़ी सी फिर भी ठीक थी। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 10 एपिसोड रखे हैं इन्होंने जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जितनी कहानी थी वो तो 3-4 एपिसोड में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन भाई वेब सीरीज बना रहे हैं तो 10 एपिसोड रखेंगे ही, तो 10 एपिसोड है यहाँ आधे आधे घंटे करके। और आप अगर तय कर चुके हैं कि आपको जीवन के कुछ घंटे आपने बर्बाद ही कर डालने हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर केले के छिलके पे फिसल के गिर रहा है तो उसमें कॉमेडी है, तो आप इसको बिल्कुल ही देखिए। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो इससे बिल्कुल ही बचिए, बेकार सीरीज है ये। और आप मेरी रेटिंग की बात करें तो 5 में से मैं इसको 1 अंक दूंगा, वो भी बहुत ही मुश्किल से। तो दोस्तों पति पत्नी और वो के बारे में आज इतनी ही चर्चा, आगे किसी और ऐप किसी और सीरीज किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को पसंद करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि अभी अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।